लेकिन गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज से भी हमने बातचीत की है। खास तौर से जो बातचीत की गई है वो बातचीत की गई है कंपनी के अलग अलग ग्रुप कंपनीज के बारे में, जिसमें गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज का कहना है कि अगले 10 सालों के लिए पूरे ग्रुप के लिए करीब 26% ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले 3 सालों में कंपनी की ग्रोथ 30% के करीब रही है। अपने ग्रुप के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको हम कहते हैं 10x10। ये 3 साल पहले अनाउंस किया था, 10 साल में 10 गुना ग्रोथ होना चाहिए, right. वो 26% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहना चाहिए, right. वो अचीव करने के लिए, और पिछले 3 सालों में हमने 30% ग्रोथ लगभग थे। वी आर ऑनलाइन, दिस ईयर वी मे हैव अ लिटिल लोअर ग्रोथ बिकॉज द इकोनॉमी इज वेरी बैड, बट दिस ईयर ऑल्सो वी विल डू प्रीटी क्लोज टू दैट। साथ ही आदि गोदरेज का ये भी कहना है कि मौजूदा समय में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ग्लोबल मंदी के कारण केमिकल कारोबार कुछ धीमापन देखने को मिल रहा है। गोदरेज एग्रोवेट बिकॉज़ ऑफ द एग्रीकल्चर सीज़न इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, हमारा केमिकल्स बिजनेस में थोड़ा ग्रोथ कम हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल से बहुत उसमें एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, तो कोई वर्टिकल्स कम ग्रोथ दिखा रहे हैं, कोई अच्छी तरह ग्रोथ दिखा रहे हैं। और आदि गोदरेज की इस पूरी बातचीत को आप सुन सकते हैं एक्सक्लूसिव जी बिजनेस पर शाम 4:30 बजे, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज एक्सक्लूसिव 4:30 बजे शाम जी बिजनेस पर। चलिए बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से।